नमस्कार ओम शांति, आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी के नाम पर जारी होगी डाक टिकट, पहली पुण्यतिथि पर होगी लॉन्चिंग। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के लातूर एवं राजस्थान के रानी में ऑनलाइन वेबिनार, ऊर्जा बचाने का आह्वान। और आखिर में रूस की राजधानी मॉस्को में ब्रह्म कुमारी संस्था के लाइट हाउस रिट्रीट सेंटर के पूरे हुए 31 साल, ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए अतिथियों ने दी अपनी शुभकामनाएं। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी के सम्मान में भारत सरकार डाक टिकट जारी करेगी। इसके लिए भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने सहमति प्रदान की है। यह डाक टिकट दादी जानकी जी की पहली पुण्यतिथि 27 मार्च 2021 को जारी की जाएगी। गौरतलब है कि राजयोगिनी दादी जानकी 21 वर्ष की उम्र में ही ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संपर्क में आई थी और पूर्ण रूप से समर्पित हो गई। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने उन्हें पश्चिमी देशों में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और मानवीय मूल्यों के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी थी। दादी सन 1970 में पश्चिमी देशों का रुख किया और अपने त्याग और तप से 140 मुल्कों में अपने संस्थान का विस्तार किया। सन 2007 में दादी प्रकाशमणि के देहावसान के बाद संस्थान की मुखिया बनी और देश और दुनिया भर में भारतीय संस्कृति का पताका फहराया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के लातूर सेवा केंद्र द्वारा चलो ऊर्जा बचाए विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पे महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण महाऊर्जा में लातूर के डीजीएम डीवी कुलकर्णी, पीएल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रिकल के एचओडी डॉक्टर संतोष बी कुलकर्णी, एनर्जी ऑडिटर बीके केदार उपस्थित हुए। इस दौरान ऑनलाइन चर्चा में सभी वक्ताओं ने ऊर्जा संरक्षण दिवस का महत्व बताते हुए जरूरत पड़ने पर ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने पर जोर दिया, वही ऊर्जा बचाने की कई विधियां भी बताई। अवेयरनेस जो आहे ह्या प्रोग्राम बद्दल तेवढा समाजामध्ये नाहीये मला जेवढं वाटते तेवढं। तर आपलं सगळ्यांचं पहिले हे काम आहे की समाजामध्ये सोसायटीमध्ये एनर्जी कंजर्वेशन बद्दल संवर्धन बद्दल जागृती करणे, जे की ऑलरेडी चालू आहे, अजून व्यापक प्रमाणात व्हायला पाहिजे। आणि ह्याचं काम मला असं वाटतं की आपण शाळेपासून चालू केलं पाहिजे। सिलेबसमध्ये जर इन्क्लुजन झालं आपण गव्हर्नमेंटला वगैरे रिक्वेस्ट करून, पर्यावरण दिलेलं आहे, सोलार एनर्जी आहे, विंड एनर्जी आहे अँड वॉटर एनर्जी आहे, या तीन एनर्जीचा वापर करून भारत हा जागतिक महासत्ता होऊ शकतो। आणि मला सांगायला आपल्याला खूप आनंद वाटेल की जी 10 वर्षापूर्वी चाललेली ही जी 10 वर्षापासून जे सोलार एनर्जी जनरेशनची जी सिस्टीम आली, एक काळी भारत हा आपला 5वा, 8वा, 9वा, 10वा जगातल्या ह्याच्यामध्ये 10वा नंबर होता, पण आजचा स्टेटस असा आहे की जगामध्ये भारताचा दुसरा नंबर आहे जिथं की सोलार एनर्जीच्या वापरामध्ये आणि निर्मितीमध्ये। इसी तरह राजस्थान के रानी में भी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर ऊर्जा बचाओ धरती बचाओ विषय पर वेबिनार का आगाज किया गया, जिसमें IREDA के डायरेक्टर चिंतन शाह, जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता विक्रम सिंह, इंडिया वन सोलर पावर प्लांट के सलाहकार गोलो पिल्स, लातूर से एनर्जी ऑडिटर बीके केदार, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनू, राजयोग शिक्षिका बीके अस्मिता ने ऊर्जा संरक्षण को लेकर अपने अपने विचार साझा किए और लोगों से ज्यादा ऊर्जा बचाने का आह्वान भी किया। हम जितना ज्यादा सौर ऊर्जा यूज करेंगे उतना हो सकता है उसकी प्राइसिंग कम होती है। अभी फिलहाल करीब 15-20 दिन पहले इंडिया के अंदर सौर ऊर्जा की बिडिंग हुई थी, जिसमें बिडिंग में 2 रुपये की प्राइस डिस्कवर की गई। ये शायद वन ऑफ द लोएस्ट रेट इन द वर्ल्ड है और ये स्टार्ट है। अभी तो मुश्किल से हम 35,000 मेगावाट किए हैं सोलर, हमारा टारगेट है तकरीबन 1,00,000 मेगावाट 2022 तक। वी हैव टू चेंज आवर लाइफस्टाइल एंड इन ऑर्डर टू चेंज आवर लाइफस्टाइल वी हैव टू चेंज आवर इनर वर्ल्ड बिकॉज माई इनर वर्ल्ड एंड माई आउटर वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड। Meditation is a very, very, very powerful tool
to bring that required change. And meditation helps us also to build up inner resilience, strength, peace and love. And this is what we need for the future, because this is what the world needs in order to change and to become a better world. अब खबर मुंबई से है, जहां जॉइंट्स वेलफेयर फाउंडेशन ब्रांच 3A द्वारा ब्रह्मा कुमारीज की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके डॉक्टर सुनीता को लाइफ टाइम अचीवर पॉजिटिव एनर्जाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर फाउंडेशन के अध्यक्ष विजय पटेल ने ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से बीके सुनीता को अवार्ड से सम्मानित किया। इस अवसर पर बीके सुनीता ने जॉइंट्स वेलफेयर फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया, साथ ही आओ सकारात्मक ऊर्जा का संरक्षण करें विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। सकारात्मक ऊर्जा का, पॉजिटिव एनर्जी का ये लॉ है कि हम जितना इसको यूज करेंगे उतना ये बढ़ेगा। दुनिया में तो एनर्जी कंजर्व करने के लिए कहते हैं कि चलो एक बार बिजली को बंद कर दो, सेव करो, बचत करो, यूज कम करो, नेचुरल लाइट यूज करो। तो वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी का रूल है कि अगर इसको आप यूज नहीं करेंगे तो ये बढ़ेगा नहीं। यहाँ पे उल्टा रूल है, यहाँ पे प्रिंसिपल उल्टा है। यहाँ पे तो जितना यूज करेंगे उतना ये बढ़ेगा। यूपी कानपुर के बिठुर में स्थित ब्रह्मा कुमारीज के एंजल वर्ल्ड एवं आध्यात्मिक संग्रहालय में कानपुर के CMO डॉक्टर अनिल मिश्रा, डॉक्टर गौतम, डॉक्टर विजय कुमार एवं मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रघुवंशी ने शिरकत की, जहां यूपी स्वास्थ्य सेवा के पूर्व निदेशक डॉक्टर राम बाबू ने सभी का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर कल्याणपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उमा एवं वरिष्ठ राज्योग शिक्षक बीके प्रकाश ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की, आगे सेवा स्थान का अवलोकन कराया एवं आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा भी की। वहीं कोरोना संकट के चलते संस्था द्वारा की गई सेवाओं के लिए डॉक्टर अनिल मिश्रा ने संस्था की सराहना भी की। इस दौरान डॉक्टर रामबाबू ने ग्रामीण लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आधुनिक प्रणाली से सुसज्जित एम्बुलेंस समर्पित की और भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा केंद्र खोलने का भी संकल्प लिया। यूपी आगरा के शास्त्रीपुरम में सेवा केंद्र का वार्षिकोत्सव मनाया गया, जहां स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, सिकंदरा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सरिता समेत अतिथियों में डेंटिस्ट डॉक्टर अनुराग एवं डॉक्टर पिंकी, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमन ने केक काटकर सभी को बधाई दी एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े कई सदस्य मौजूद थे। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। रशिया की राजधानी मॉस्को स्थित लाइट हाउस रिट्रीट सेंटर को 31 साल पूरे हो गए हैं। इस स्पिरिचुअल जर्नी को सेलिब्रेट करने के लिए लाइट हाउस रिट्रीट सेंटर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथियों में हेल्थ सेंटर के हेड डॉक्टर अलेक्जेंडर, ऑपरेटा थिएटर से आर्टिस्ट कॉन्स्टेंटीन समेत अन्य लोगों ने अपनी शुभकामनाएं दी। यह कार्यक्रम मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा के निर्देशन में सम्पन्न हुआ। कर्म सिद्धांत के अनुसार मनुष्य जो भी कार्य करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। व्यक्ति के कर्म ही उसकी सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक स्थितियों को निर्धारित करते हैं। अपने बुरे कर्मों का फल भुगतने के लिए फिर से जन्म लेना ही पड़ता है, इसलिए कर्म सिद्धांत प्रत्यक्ष रूप से पुनर्जन्म से जुड़ा है। इन्हीं कुछ मुद्दों पर चर्चा करने हेतु लेस्टर स्थित ब्रह्म कुमारीज के हार्मनी हाउस रिट्रीट सेंटर द्वारा कर्म, एफर्ट और डेस्टिनी इस विषय के तहत ऑनलाइन टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके इंदु और बीके सुकांती ने बातचीत की, साथ ही ऑनलाइन प्रतिभागियों के प्रश्नों का समाधान भी किया। मैंने कुछ पूर्व जन्म में पाप किए हैं और मुझे अभी उसकी सजा मिल रही है, लेकिन जैसे कोई बच्चा डिसेबल पैदा हुआ उसका माइंड इतना ये नहीं है, लेकिन उसको तो पता नहीं है ना कि, या उसको रियलाइज भी नहीं है, या उसको या याद भी नहीं आता है कि मेरे कर्म मैंने ऐसे किए थे, क्या किए होंगे इसलिए मुझे ऐसा है। तो उसको सजा मिलने का क्या फायदा अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है आप किस चीज की सजा भुगत रहे हो। तो उन्हें अगर भाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है, दुर्भाग्य उनका बन रहा है, तो वो क्या फायदा। ये जो है कि हमको हमारा पूर्व याद नहीं आता है, हमने कौन से कर्म किए जो आज मेरी ये हालत है, तो वो एक
जैसे हम कहेंगे एक सेफ्टी है, एक बहुत अच्छा ये है कि हमको याद नहीं आता। लेकिन याद आएगा तो मैं ज्यादा मेहनत करके उसको ठीक कर सकती हूँ ना। नहीं देखो, अभी आप समझो, अगर किसी को पास्ट याद आया तो वो पास्ट के बारे में कुछ कर तो नहीं सकता ना, टू लेट हो गया। लेकिन टू लेट, जो कर दिया वो सो हो गया। माफी तो मांग सकते हैं ना। माफी मांगने से भी सजा कम नहीं होती है। लेकिन खुद को दिलासा तो होता है ना, जैसे खुद को थोड़ी सी शांति होती है कि मैंने चलो माफी मांग ली। फिर मैं, लेकिन वो भोगना 1% थोड़ा परसेंटेज कम होता है। ब्रह्मा कुमारीज के विहासा प्रोजेक्ट एवं वैंकूवर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र द्वारा वैल्यूज फॉर लाइफ ऑनलाइन सीरीज के तहत एक्सेप्टेंस विषय पर ऑनलाइन सेशन आयोजित किया गया, जिसकी मुख्य वक्ता जर्मनी में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुदेश रही। आइए सुनते हैं उनके मार्गदर्शन की कुछ झलकिया। A child is born and hear very lovely words from her mother, his mother. You are a girl or a boy. He does not know and he believes it. I'm a girl or a boy. On naming day, the child is given, being given a name. He accepts this is my name. And now, what is behind that? The child has accepted so naturally, whole life, he accepts this. He does not have doubt in it. What was the reason of naturally acceptance? It is the bhavana, faith, love, vision, attitude, hopes of parents. आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।